हाय दोस्तों, मैं हूं पायल गुड़ियाल। सलमान खान के शो बिग बॉस को यूं ही टीवी का सबसे विवादित शो नहीं कहा जाता। इस शो के हर सीजन में कोई ना कोई बड़ा बवाल देखने को मिल ही जाता है। वहीं याद लीजिए, बिग बॉस 13 में भी ऐसा ही एक बवाल शुरू हो चुका है। जी हाँ, ये ताजा विवाद इस कदर बढ़ गया कि सोशल मीडिया पर इसे बंद करने की मांग की जा रही है। ट्विटर पर बॉयकॉट बिग बॉस और अनसब्सक्राइब कलर्स टीवी जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। इन हैशटैग के जरिए लोग बिग बॉस 13 को जमकर विरोध कर रहे हैं। चलिए दिखाते हैं आपको ऐसे ही कुछ ट्वीट। बॉयकॉट बिग बॉस, द शो कैन बी वेरी डेंजरस फॉर आवर सोसाइटी, पीस एंड हार्मनी। बॉयकॉट दिस काइंड ऑफ फालतू एंड नॉनसेंस प्रोग्राम, बॉयकॉट बिग बॉस। कम अगेन, बिग बॉस 13 इज स्पॉइलिंग इंडियन कल्चर, बॉयकॉट बिग बॉस। The likes of these sculptures, the Indian culture, the land of Kama Sutra. Please boycott Big Boss and also Salman Khan, this man who promoting nonsense show Big Boss on Colors TV. Boycott Big Boss, this trend deserve more trending cause you know. People who are watching this show is really an Salman Khan needs to entertain their fans than this shitty show. तो देखा आपने, फैंस बिग बॉस 13 और सलमान खान पर जमकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। बता दें कि इस बार सलमान खान ने कंटेस्टेंट्स के घर में एंट्री करने से पहले ही ये तय कर दिया था कि उनका BFF यानी कि बेड फ्रेंड फॉरएवर कौन होगा। BFF वाले कॉन्सेप्ट के तहत इस बार एक बेड पर दो लोग साथ में सोएंगे। वहीं शुरुआत से ही बिग बॉस 13 में एक लड़का और एक लड़की के साथ में बेड शेयर कर रहे हैं। लोग इसी फॉर्मेट का विरोध कर रहे हैं। यही वजह है कि ट्विटर पर बॉयकॉट बिग बॉस ट्रेंड कर रहा है। वैसे आप किस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बिग बॉस से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहें हमारे साथ।